हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, यानी कि अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था स्टूडेंट का कि कैसे एडमिशन होता है, जेईई के थ्रू होता है या फिर बीसीसी एग्जाम के थ्रू होता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा बिहार न्यू एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और जो जो नहीं समझ में आएगा उसको नोट कीजिएगा ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको फ़ायदा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए टोटल दो प्रोसेस है, यानी कि टोटल दो पाथ है। पाथ मतलब तरीका, दो रास्ता है। फर्स्ट है थ्रू जेईई स्कोर कार्ड और दूसरा थ्रू बीसीसी एग्जाम स्कोर कार्ड। तो बात करते हैं सबसे पहले काउंसलिंग किसके बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग होता है जेईई के स्कोर कार्ड पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले काउंसलिंग हुआ जेईई के स्कोर के बेसिस पे, उसके बाद अगर सीट बचेगा तो फिर सेकेंड में काउंसलिंग हुआ बीसीसी एग्जाम के बेसिस पे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाथ वन, यानी कि जो सबसे पहले काउंसलिंग होता है वो किसके थ्रू होता है। तो देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग हुआ जेईई के स्कोर कार्ड पे। तो एनटीए के द्वारा जो जेईई का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें कोई एक एग्ज़ाम में आप ईयर हैं और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं वैलिड स्कोर कार्ड क्या होता है। तो मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हर कॉलेज का कैंपस टूर यानी कि कैंपस का टूर का वीडियो मिले, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ, उस ग्रुप का नाम है बिहार इंजीनियरिंग अपडेट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो हर एक कॉलेज का कैंपस टूर मिल जाएगा और किस कॉलेज का कैसा प्लेसमेंट है, हर एक का उसमें प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। तो देख फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाथ वन, यानी कि पहला तरीका कौन सा है। और पहला और जो मेन तरीका है, यानी कि जो 80% सीट फुलफिल होता है जेईई का स्कोर कार्ड के बेसिस पे, बाकी 10-20% जो बचता है वो बीसीसी एग्जाम के बेसिस पे होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब आप जेईई का एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड आएगा। तो वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। आपका परसेंटाइल 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो अगर आप जेईई के एग्ज़ाम में अपीयर हुए और आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड किए हैं, तो आप एलिजिबल हैं बिहार इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जेईई के थ्रू क्या क्या एलिजिबिलिटी है। 12th पीसीएम से होना चाहिए और 45% होना चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से हैं SC ST हैं तो 40% होना चाहिए। उसके बाद वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो आपका 4 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख कितना भी रैंक हो सकता है, आप एलिजिबल हैं। अगर रैंक मान लीजिए आपका हाई रहेगा तो हो सकता है न्यू कॉलेज मिले, बट आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपका जितना भी परसेंटाइल है 10, 20, 50, 80, 90, 95, आप एलिजिबल हैं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका जेईई का परसेंटाइल काउंट भले ही होगा, बट इसका काउंसलिंग सेपरेट काउंसलिंग होगा जो कि बिहार लेवल पर होगा। तो जो इसका काउंसलिंग का नाम होगा वो UGESC काउंसलिंग होगा, ये बिहार लेवल पर होगा। और UGESC काउंसलिंग में वे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिनका परमानेंट रेसिडेंस बिहार में है, या फिर उनके पेरेंट्स जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनका पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बिहार में, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है। उसके बाद जो UGESC काउंसलिंग होता है वो BCC बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो पहला तरीका होता है JMS के थ्रू होता है, उसमें काउंसलिंग कैसे होता है। स्कोर तो लिया जाता है JMS का, बट काउंसलिंग कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको UGESC की वेबसाइट पे जब BCC बोर्ड के द्वारा नोटिस आएगा, तो सबसे पहले UGESC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद JMN का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वेरीफाई करना होगा, उसके बाद बिहार लेवल पर एक रैंक कार्ड बनेगा। रैंक कार्ड बनने के बाद इसमें आपका UR रैंक लिखा रहेगा, अनरिजर्व रैंक और कैटेगरी रैंक लिखा रहेगा। उसके बाद जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो कुछ दिन के बाद चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग क्या होता है, आप अपना कॉलेज ऑर्डर डालेंगे, जो कॉलेज आपको चाहिए बिहार इंजीनियरिंग में वो कॉलेज का ऑर्डर डालेंगे। उसके बाद जैसे चॉइस फिलिंग करेंगे और आपका रैंक रहेगा उससे मैच करते हुए, आपको एक सीट अलॉटमेंट होगा, कोई भी एक कॉलेज अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद
जो भी कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन होता है तो उन्हें लगता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं भी कराऊंगा तो मेरा कॉलेज फाइनल अलॉट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे तभी आपका फाइनल एडमिशन होगा। जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा और उसके बाद वहाँ जाकर के एडमिशन लेना होगा। ये हुआ पहला तरीका। जो स्टूडेंट जेएमएन में अपीयर हुए हैं उन्हें यूजीएससी के वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिहार लेवल पर एक रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट होगा। तो जब यूजीएससी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यूजीएससी काउंसलिंग का एक मॉक काउंसलिंग होगा जो कि आईएएस भवन पटना में होगा। उसके बाद जब मॉक काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद जो भी सीट बचेगा, यानी कि यूजीएससी काउंसलिंग होने के बाद जब मॉपअप काउंसलिंग होने के बाद जो सीट बचेगा 10% 20% या 30% जितना भी सीट बचेगा उसके लिए बीसीसी काउंसलिंग होगा। तो बीसीसी काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट बीसीसी के एग्ज़ाम दिए हैं और पीसीएम ग्रुप में अपीयर हुए हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के बीसीसी एग्ज़ाम दिए हैं वो स्टूडेंट एलिजिबल है। और बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनका 12th सेम 45% होना चाहिए और कैटेगरी से है तो 40% होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद बीसीसी का रैंक कार्ड आएगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो पीसीएम का बीसीसी पीसीएम का एक रैंक कार्ड आएगा। उसके बाद तो रैंक कार्ड होना चाहिए आपके पास, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड आने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए बिहार का। बीसीसी काउंसलिंग यानी कि बिहार में एडमिशन लेने के लिए रेसिडेंस बिहार का होना जरूरी है। उसके बाद ये जो काउंसलिंग होगा बीसीसी पीसीएम काउंसलिंग होगा, जेएमएस के थ्रू जो काउंसलिंग होगा उसका नाम होगा यूजीएससी काउंसलिंग, बट जो बीसीसी एग्जाम के पीसीएम ग्रुप के बेसिस पे होगा उनका उस काउंसलिंग का नाम होगा बीसीसी पीसीएम काउंसलिंग। ये भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा बीसीसी बोर्ड की तरफ से। ये सेपरेट काउंसलिंग होता है बिहार लेवल पे और ये भी यूजीएससी काउंसलिंग होता है बिहार लेवल पे, बट ये जेएमएस का स्कोर बेसिस पे होता है और ये बीसीसी एग्जाम के बेसिस पे होता है। तो इसमें देखिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप बीसीसी एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद एक रैंक कार्ड आएगा जो कि बीसीसी पीसीएम का आएगा। पीसीएम का रैंक कार्ड काउंट होगा बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। रैंक कार्ड आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइस फिलिंग का डेट आएगा तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे बीसीसी की वेबसाइट पर जाकर के। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा सेम जैसे इसमें हुआ था। सीट अलॉटमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ जाना होगा, उसके बाद फाइनल एडमिशन लेना होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप समझ लीजिए, बिहार इंजीनियरिंग में अब दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, पहला जेएमएन के स्कोर के बेसिस पे, दूसरा बीसीसी के एग्जाम दिए हैं पीसीएम ग्रुप में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीसीसी की वेबसाइट पे अपडेट आएगा, उस अपडेट को ध्यान से पढ़िएगा और जो भी चैनल पर आया फिर जिससे भी आप गाइड लेते हैं उसको अच्छे से समझिए और वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए, और जो नहीं समझ में आता उनसे पूछिए, और जो लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप लिख लीजिए या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, किस कॉलेज का कितना प्लेसमेंट है और कॉलेज टूर कैंपस टूर का वीडियो उस टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके दूं और आपके काउंसलिंग में मैं हर समय आपके साथ रहूं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं जो भी वीडियो बताऊँगा उसको अच्छे से देखिए और जो इन्फॉर्मेटिव रहेगा उसको एक अच्छे से डायरी में या फिर कॉपी में लिख करके रखिएगा ताकि काउंसलिंग के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है, जेएमएस के थ्रू कैसे होता है और बीसीसी के एग्जाम के थ्रू कैसे होता है। बहुत कम ऐसे वीडियो होंगे जो इतने अच्छे से समझाया होगा कि काउंसलिंग कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से साथ देंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं हर एक वीडियो यूजीएससी काउंसलिंग से रिलेटेड, बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देख लीजिए और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बिहार के अंदर टॉप 10 इंजीनियरिंग कौन कौन सा है, उनका कितना प्लेसमेंट है।